सैमसंग की तरफ से लॉन्च हो चुका है एक खतरनाक 4G स्मार्ट वॉच जिसका नाम है गैलेक्सी 7 वॉच, जिसमें बहुत सारे फीचर ऐड हुए हैं। जैसे इसमें तुम्हें AI का पावर देखने के लिए मिल जाता है, जिससे यह स्मार्ट वॉच और भी खतरनाक हो चुका है। साथ ही इस स्मार्ट वॉच की बॉडी पूरी टाइटेनियम से बनी हुई है, जिस कारण इस स्मार्ट वॉच की बिल्ड क्वालिटी एकदम खतरनाक है। इस स्मार्ट वॉच के और भी बहुत सारे फीचर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो इस खतरनाक स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है एक गुड क्वालिटी का चार्जर, जिससे तुम अपने स्मार्ट वॉच को फास्ट चार्ज कर सकते हो। और इस चार्जर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और इसके बॉक्स में आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है स्मार्ट वॉच के अलावा। और बात कर ले इस स्मार्ट वॉच के फीचर के बारे में, तो पहला, इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.47 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। वह बात अलग है कि इस स्मार्ट वॉच की स्क्रीन बहुत ही छोटी है और बेजल थोड़े ज्यादा है, लेकिन डिस्प्ले बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि आप भी जानते हो सैमसंग के डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। इस स्मार्ट वॉच की फुल्ली बॉडी टाइटेनियम से बनी है, जिस कारण इस 4G स्मार्ट वॉच का लुक एकदम तगड़ा लगता है। साथ ही इसमें आपको 2000 nits की ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाता है, जिस कारण आप इस स्मार्ट वॉच को घर के बाहर भी यूज कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इस वॉच को यूज करते समय। और अब बात कर लेते हैं इस वॉच के दूसरे फीचर के बारे में। तो इसमें तुम्हें IP67 की वाटर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल जाती है, जिससे तुम इस वॉच को पानी में भी यूज कर सकते हो। और इस वॉच में जो स्टोरेज का ऑप्शन है, उसमें आपको 2GB का RAM, 32GB का इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है। और यह बहुत मेजर अपडेट है इस वॉच में, क्योंकि पहले जो गैलेक्सी वॉच 6 थी उसमें आपको सिर्फ 2GB का RAM, 16GB का स्टोरेज देखने के लिए मिलता था, लेकिन इसमें आपको ज्यादा स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। और UI भी बहुत स्मूथ है। और UI की बात कर ले तो इस स्मार्ट वॉच में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेगा UI में, क्योंकि सैमसंग की वॉच है। आप जानते ही होंगे सैमसंग की कोई भी प्रोडक्ट लैक नहीं होती। और ऊपर स्क्रॉल करने पर आपको बहुत सारे एलिमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे आप अपने फोन से भी चेंज कर सकते हो या स्मार्ट वॉच से भी चेंज कर सकते हो। और बॉटम में आपको बहुत सारे ऐप देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे प्ले स्टोर, कैलकुलेटर, कैलेंडर और भी बहुत सारे गूगल के ऐप, जिसे तुम इस वॉच में यूज कर सकते हो। और इसमें तुम्हें ब्राउजर भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे तुम इसमें YouTube भी यूज कर सकते हो और YouTube पर कोई भी वीडियो भी देख सकते हो, वो भी 180p की क्वालिटी पर। और साथ ही इसमें तुम्हें प्ले स्टोर भी देखने के लिए मिलता है, जिससे तुम कोई भी ऐप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। और साथ ही इसमें तुम्हें गैलरी देखने के लिए मिल जाता है और Spotify भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे तुम इस स्मार्ट वॉच से गाना भी सुन सकते हो अपने ईयरबड से कनेक्ट करके। और बात करें इस वॉच की मेजर चेंज के बारे में, तो इसमें तुम्हें AI का पावर देखने के लिए मिल जाता है, जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जिस कारण यह वॉच गैलेक्सी 6 के वॉच से कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और बात करें इस वॉच के हेल्थ ट्रैकिंग के बारे में, तो इस वॉच में तुम्हें कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत सारे हेल्थ ट्रैकिंग मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। और बात कर ले इस वॉच की प्राइस की, तो यह वॉच तुम्हें अभी के टाइम पर 32,999 रुपए का देखने के लिए मिल जाता है। और अभी इस वॉच पर ऑफर चल रहा है, जब आप कोई कार्ड लगाकर इस स्मार्ट वॉच को बाय करोगे तो तुम्हें 8,000 रुपए का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। और ऑफर लगाकर ये वॉच तुम्हें 24,999 रुपए का देखने के लिए मिल जाएगा। और बात करें गैलेक्सी वॉच 6 और गैलेक्सी वॉच 7 के प्राइस की, तो गैलेक्सी वॉच 6 आपको अभी के टाइम पर देखने के लिए मिल जाएगा 21,900 रुपए का। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों वॉच के प्राइस में, 4,000 रुपए या 5,000 रुपए का डिफरेंस है दोनों वॉच में। आप दोनों में से कोई भी वॉच बाय कर सकते हो, और दोनों वॉच की बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, बाय करना चाहते हो तो जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।